कमलनाथ के गढ़ में कमलनाथ को परास्त करने के लिए खड़े हैं। ये तो विधानसभा वाला चुनाव है, कमलनाथ जी ने भाजपा को दे दिया होगा ये, तो भाजपा वाले से भी लड़ लेंगे। और यहाँ तो कांग्रेस और भाजपा से संयुक्त लड़ाई है, तो इसलिए जीतेंगे कैसे अनिमेश, जीतेंगे कैसे हमारे बाकी उम्मीदवार, जीतेंगे कैसे हम मतदाता की ये बात बतानी होगी। और एक और बात बतानी होगी, 15 जुलाई को इंदौर में मैंने ये एफिडेविट दिया, 100 रुपए के स्टैंप पर 30 घोषणाएं की है, अभी इसमें 20-22 घोषणाएं और जोड़कर कल दूसरा एफिडेविट तैयार कर रहा हूं। भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार किसी ने स्टैंप पर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा ठगा जाता है चुनाव के पहले। कहते हैं 15-15 लाख रुपए आए, कहते हैं 100 दिन के अंदर आ जाएंगे। हमारे लोग सोचते हैं कि भाई ये तो बड़े झूठे लोग हैं, चलो 15 लाख नहीं, पानी दे दीजिए, पानी 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 ठीक है, बैठ जाइए। जब उन्होंने 15 लाख की बात की तो हमारे भोले वाले लोगों ने सोचा कि झूठे तो है ही है, पर झूठ भी कितना बोलेंगे, 15 लाख की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख तो आ जाए, चलो इनको वोट दे दे। और उसके बाद जब पूछते हैं कि भैया 15 लाख कहाँ गया, तो कहते हैं वो तो जुमला था, कहते हैं कि वो हमने झूठ बोला था, हम झूठ बोल के तुमसे वोट लिया। अरे तुमने झूठ बोलकर अगर हमसे हमारी सबसे कीमती चीज ली है, तो कानून ये कहता है कि तुमने 400 बीसी की है, मोदी जी से लेके सारे भाजपा के लोगों को 400 बीसी के केस में अंदर कर देना चाहिए। हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो मुंह जवानी बोल दिया था, हमने जो बोला था वो कोई कानूनी किताब तो थी नहीं, तो इसलिए मैंने ये 100 रुपए के स्टैंप पे कहा है, ये कहा है कि इसमें जो 30 घोषणाएं की है कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 18 घंटे बिजली देंगे, दिन में बिजली देंगे, फसल का दाम 1.5 गुना करेंगे, बिजली के दाम आधे करेंगे, गरीबों को बिजली 50 रुपए पे देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं देंगे 1,500 से 3,000 का भत्ता देंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, ऐसी जो 30 घोषणाएं की है वो शपथ पत्र पे की है। 30 में 29 भी पूरी करे और 1 ना पूरी करे तो कोई भी मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों में से कोर्ट में जा सकता है, और आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, भाजपा कांग्रेस वाले तो वैसे ही चले जाएंगे अगर हमने ये पूरी करी। इस शपथ पत्र को लेके एक एक घर तक पहुंचना है, एक एक घर के पास पहुंचा देना है कि पहली बार इस देश के अंदर किसी ने अगर शपथ पत्र पे कहा है तो ये समझ सकते हैं कि कितने ईमानदार लोग हैं। और ये शपथ पत्र मैंने क्यों दिया, वो इसलिए कि दिल्ली में दो ईमानदार सरकार बैठी है जिसने ये कहा था कि जो हम 5 साल में करेंगे, 5 साल का इंतजार नहीं किया, 3.5 साल में हमने सारे वादे पूरे कर दिए, तो मुझे मालूम है कि 30 क्या 60 घोषणाएं भी कर दूंगा तो अपने ईमानदारी की सरकार ऐसी सरकार है कि वो उसको निश्चित रूप से पूरा कर। तो साथियों, अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 60-70 दिन बचे हैं, यह आजादी की लड़ाई है, इस लड़ाई को हमें आजादी की लड़ाई के रूप में लड़ना है। जो शहीदों के सपने थे वो अधूरे रह गए, और उन सपनों को हमें पूरा करना है, इसलिए याद कीजिएगा भगत सिंह को, 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गया, याद करिएगा खुदीराम बोस को, 19 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए, याद करिएगा गांधी को।
पहन के पूरा जीवन रहे। और ऐसे हजारों लाखों लोगों को याद करिएगा जिसने हमें आजादी दिलाई पर उनका सपना पूरा नहीं हुआ। तो सपने को पूरा करने का नाम है आम आदमी पार्टी। और इसलिए इस लड़ाई को वैसे ही लड़ना होगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि अगले 70 दिन के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, अपना घर परिवार छोड़ दीजिए, धंधा पानी छोड़ दीजिए, युवा की पढ़ाई छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए इस व्यवस्था को, इस सत्ता को बदलने के लिए। अगर ये नहीं बदली तो वैसे भी पढ़ाई भी चली जाएगी, धंधा भी चला जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो मेरी अपील है कि ये लड़ाई आपसे थोड़ा त्याग मांगती है। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? मन से बोलिएगा, मन से ध्यान रखिए बोलिएगा। और मैं अंतिम बात ये आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों में ग्वालियर में रोड शो हुआ, उज्जैन में रोड शो हुआ, जबलपुर में रोड शो हुआ, आज यहाँ पे रोड शो हुआ। जब हम रोड शो में जाते हैं तो लोगों का अभिवादन करते हैं और उनकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था कि इन सारे रोड शो में 70 से 80% लोग हमारी तरफ हाथ जोड़ रहे थे, हमारी तरफ हाथ हिला रहे थे, कोई विक्ट्री के साइन बना रहे थे। इसका मतलब साफ है कि जनता बदलाव चाहती है, जनता भाजपा कांग्रेस से थक चुकी है, बस हमें पहुंचने की देर है। साथियों, हम पहुंचे तो विश्वास करिए कि जो चमत्कार दिल्ली में हुआ है वही चमत्कार अब मध्य प्रदेश में दोहराने जा रहा है। साथियों, हमारी लड़ाई सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई है और जहां सच्चाई और ईमानदारी होती है वहां ईश्वर अल्लाह आप जिसका भी नाम लेते हो उसकी ताकत होती है। जहां उसकी ताकत है वहां जीत सुनिश्चित है। आप विश्वास कीजिए, सच्चाई की जीत होगी। आम आदमी पार्टी का, आम आदमी का राज आएगा, लूट और भ्रष्टाचार का राज जाएगा, एक ऐसा राज जिसमें सबके लिए रोजी रोटी कपड़ा पानी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा होगी। हम अमन चैन से रह सकेंगे, प्रेम से रह सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Good morning.